नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जारी हुआ विस्तृत गाइडलाइन। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल को देखने के लिए स्टेशन पर पहुंची भारी भीड़। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टी। बिहार सरकार के 8 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। डब्ल्यूटीसी फाइनल में करारी हार के बाद रोहित शर्मा ने आईसीसी को दी सलाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में भड़के सीएम नीतीश कुमार। आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अचानक एक अधिकारी पर भड़क गए। दरअसल समस्या सुनने के दौरान उन्हें एक अधिकारी पर गुस्सा आ गया, जिसका कारण एक कागज था। दरअसल शिकायत सुनने के दौरान अधिकारी शिकायत से जुड़े आवेदन की कॉपी को लेकर सीएम नीतीश कुमार के हाथ में देते हैं। ऐसे में जब एक अधिकारी आवेदन या शिकायतों से संबंधित कागज लेकर सीएम को देने के लिए पहुंचा ही था कि उसके हाथों से पेपर छूटकर नीचे गिर गया। और जब वह दोबारा उस कागज को उठाकर दोबारा सीएम नीतीश को देने के लिए पहुंचे तो सीएम नीतीश ने उन्हें टोक दिया। उन्होंने कहा कि कहां गिरा देते हो बार बार नीचे, तुम्हारा तो जूता है नीचे और नीचे गिराकर यहां लाते हो, हम इसको काहे हाथ से पकड़ेंगे, बोलो नीचे गिरा दिए। इसके बाद अधिकारी के द्वारा अपनी सफाई दिया गया और टेबल पर कागज रखकर अधिकारी चला गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जारी हुआ विस्तृत गाइडलाइन। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से ज्यादा बार आवेदन पत्र भरा जाता है तो उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो फर्जी नाम व पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आवेदन में गलत आरक्षण कोटि डालने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। वहीं आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी के द्वारा पिता के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना भी उनकी उम्मीदवारी को रद्द करा सकता है। मालूम हो कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। बिहार सरकार के 8 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी की एक अधिसूचना के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा 8 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। बता दें कि जारी की एक अधिसूचना के अनुसार जिन आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव सेंथिल कुमार को गृह विभाग भेज दिया गया है। वहीं पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का MD, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के MD, प्रभाकर को बिहार राज्य योजना पार्षद का विशेष सचिव, कारा एवं सुधार महानिरीक्षक शीर्षद, कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड का वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, मिथिलेश मिश्र को निदेशक मध्याह्न भोजन के पद का निदेशक पंचायती राज विभाग, आनंद शर्मा को नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव का ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव, आदित्य प्रकाश को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पद पर और हस्तकरघा एवं रेशम के निदेशक विवेक रंजन मैत्री को नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एम्स दरभंगा के निर्माण कार्य में आई नई मुश्किलें। बिहार के दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मामला फंसता नजर आ रहा है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शोभन बाईपास पर एम्स के निर्माण के लिए दी गई 151 एकड़ जमीन को लेने से यह बोलकर इनकार कर दिया गया है कि जो जमीन उपलब्ध कराई गई है वह एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राजेश भूषण ने कहा है कि जो जमीन दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए दी गई है वह काफी लो लैंड है, जहां मिट्टी की भराई पर खर्च और समय दोनों बाधक बनेगा। उन्होंने कहा कि यह एम्स का निर्माण निर्धारित समय पर कराना संभव नहीं है। इसके साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता और जल जमाव को देखते हुए भवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मालूम हो कि बीते 27 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा साइट का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिससे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल को देखने के लिए स्टेशन पर पहुंची भारी भीड़। आज यानी कि 12 जून को पटना जंक्शन से रांची के लिए वंदे भारत के ट्रायल सफर के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान ट्रेन के सफर को देखते के लिए स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि पटना जंक्शन से जैसे ही ट्रेन गया रूट होते हुए रांची के लिए रवाना हुई, जिसे देख लोगों का उत्साह बढ़ गया। हालांकि ट्रायल रन में ट्रेन में किसी यात्री को इसमें सफर करने का मौका नहीं मिला। मालूम हो कि यह ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 6:55 खुली और दोपहर 1 बजे तक ट्रेन रांची पहुंची। वहीं वापसी में यह ट्रेन रांची से दोपहर 2:20 खुली और 9:25 पटना पहुंचेगी। बता दें कि इस ट्रेन की स्पीड 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं ट्रायल पूरा होने के बाद ट्रेन का उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक उद्घाटन की तारीख को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी और साथ ही जल्द ही सीटों की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी।
आंगनवाड़ी केंद्र के समय में 20 जून तक हुआ बदलाव। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए ICDS के निदेशक कौशल किशोर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में 20 जून तक बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब इस बदलाव के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 20 जून तक अब सुबह 7 से 9 बजे के बीच होगा। मालूम हो कि वर्तमान में आंगनबाड़ी का संचालन 7 बजे से 10:30 बजे तक होता रहा है। मालूम हो कि राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को समय बदलाव का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है और साथ ही इस अवधि के दौरान ही बच्चों को नाश्ता और गर्म खाना खिलाने का भी सुनिश्चित किया जाए। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टी। बिहार की राजधानी पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा राज्य में बढ़ती गर्मी को लेकर जिले में प्री से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को 18 जून तक बंद रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रहे भीषण गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े। इसके साथ ही गर्मी को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। मालूम हो कि गर्मी से लोगों को काफी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि बीते दिन जिले के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, इसके कारण उन इलाकों में रहने वाले लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। एशियन शैम्पू प्रतियोगिता में भोरिक और अभिलाषा ने रचा कीर्तिमान। कजाकिस्तान के अस्थाना में 5 जून से 11 जून तक चल रहे एशियन शैम्पू प्रतियोगिता के आखिरी दिन स्पोर्ट्स शैम्पू इवेंट में भोरिक सिंह यादव ने अपने नाम रजत पदक किया, तो वहीं अभिलाषा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में बिहार से कुल 5 खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन किया गया था। वहीं भोरिक और अभिलाषा की इस उपलब्धि पर बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय, अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग हरजोत कौर, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण सहित बिहार के कई खेल प्रेमियों के द्वारा शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। मालूम हो कि आज यानी कि 12 जून को शाम 7 बजे खिलाड़ियों का आगमन होने वाला है, जहां उनका पटना रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया जाएगा। नैक में A++ ग्रेड लाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बनाइए। बिहार के प्रथम प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के द्वारा 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ नैक में A++ ग्रेड हासिल किया गया है और इसी के साथ यह विश्वविद्यालय अब देश के चुनिंदा राष्ट्रीय शिक्षा उच्च शिक्षा संस्थानों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है और साथ ही बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है जिसने नैक में A++ ग्रेड हासिल किया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नैक टीम के द्वारा पिछले महीने 17 से 19 मई के बीच विश्वविद्यालय परिसर व संसाधनों के भौतिकी निरीक्षण किया था और फिर विश्वविद्यालय को A++ की उच्चतम श्रेणी प्रदान की गई। वहीं विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि पर कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ के द्वारा इसका श्रेय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों को दिया गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पटना के इस्कॉन और गौड़ीय मठ में तैयारियां शुरू। बिहार की राजधानी पटना में इस्कॉन टेंपल की ओर से 20 जून को भगवान जगन्नाथ की यात्रा राजधानी में निकाली जाएगी। इसके लिए लगभग 2000 किलो से अधिक वजन का विशेष रथ मंदिर परिसर में तैयार किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता गोपाल दास के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए लोहे और लकड़ी के मिश्रण से स्थानीय और कोलकाता के कारीगर मिल के द्वारा रथ का ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 से 25 भक्त एक साथ बैठेंगे। वहीं रथ यात्रा से पहले रथ को विभिन्न फूलों से सजाया जाएगा और साथ ही गर्मी को देखते हुए भगवान के लिए कूलर की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा दूसरी ओर गौड़िया मठ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 जून को मंदिर परिसर में ही जगन्नाथ की रथ यात्रा को शाम 4 बजे से 7 बजे तक भ्रमण कराया जाएगा और फिर इसके बाद भजन कीर्तन होगा और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। छपरा में शराब के साथ महिलाएं गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन अवैध शराब से जुड़े तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव का है, जहां पुलिस के द्वारा 200 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई है और साथ ही शराब के साथ 2 महिलाओं की भी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि इस दौरान मुख्य तस्कर पार्ले जी मौके से फरार हो गए। बता दें कि इस संबंध में SHO राजनंदन कुमार के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब के कारोबार में किसी भी तरह से संलिप्त लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। JEE और नीट के विशेषज्ञ शिक्षक करें आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा छात्र छात्राओं को मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए निशुल्क कोचिंग की शुरुआत करा रहे हैं। ऐसे में कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून तक निर्धारित की गई है।
मालूम हो कि समिति के द्वारा कहा गया है कि इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी सब्जेक्ट के योग्य शिक्षक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.gov.in या secondary.biharboardonline.com या coaching.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन करना होगा। मालूम हो कि जिन शिक्षकों का चयन किया जाएगा उन्हें पार्ट टाइम के तौर पर रखा जाएगा। जेडीयू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की डिग्री को बताया फर्जी, सम्राट का बयान आया सामने। बिहार की राजनीतिक गलियारों में अब डिग्री को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि जेडीयू के द्वारा बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठाए गए हैं और 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सारी चीजों को स्पष्ट करने को कहा गया है। वहीं अब जेडीयू के इस अल्टीमेटम पर सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी खौफ में है, जिस वजह से वह दाएं बाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी डिग्री को वर्ष 2019 में ही सार्वजनिक कर चुके हैं और सारी चीजें जनता के सामने हैं। हमने नीतीश कुमार पर जनता को शराब परोसने का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार का कोई नोटिस नहीं आया। उनके अगल बगल के लोग नोटिस भेज रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने लालू को डराने की कोशिश की थी, वैसे ही बीजेपी को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मोदी और शाह की भाजपा है, ये डरने वाली नहीं लड़ने वाली भाजपा है। ये लोग जो खेल खेल रहे हैं उन्हें उसका करारा जवाब मिलेगा। WTC फाइनल में करारी हार के बाद रोहित शर्मा ने ICC को दी सलाह। WTC फाइनल 2023 में भारत को मिली करारी हार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए रोहित शर्मा के द्वारा WTC को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अगले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए 3 मैचों की सीरीज आदर्श हो सकती है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल के आखिरी दिन टीम इंडिया के द्वारा सिर्फ 234 रन बनाया गया और फिर टीम इंडिया ढेर हो गई और इसी के साथ भारतीय टीम 209 रनों से मैच के साथ खिताब भी हार गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 10 सालों से भारतीय टीम के द्वारा एक भी ICC खिताब नहीं जीता गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बन गई है जो तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बन गई है और टीम ने 9वां खिताब अपने नाम किया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, आदित्य कुमार, नौशद अंसारी, सदुल्लाह पलवी, घनश्याम, कमलेश शर्मा, रवि मोहन वर्मा, कृष्ण कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद फहीम, अनवर करीम खान, रविशंकर, डीके प्रसाद, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में मौजूद विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति कैसी है। आप न जाओ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।